हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज चंडीगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी किया। चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान, कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 40 पेज के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कर्नाटक लोकायुक्त के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनका परिवार मुदा स्कैम के पहले आरोपी हैं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वो और उनकी पार्टी इस स्कैम के पहले अपराधियों का साथ दे रहे हैं। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य भर में विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराए जाने की लगातार मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में जगह जगह धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। शनिवार को शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस पर देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भारत भूषण ने अवैध मस्जिद मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं करने की बात कही। उन्होंने कानून के हिसाब से चलने की अपील की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।